हिंदुस्तान का दिल दुखता है कि हम अपने नागरिकों की हिफाजत की शपथ लेते हैं और गवर्नमेंट हमसे इन पर अत्याचार करवाती है। इनके भी दिल दुखते हैं, लेकिन ये बेचारे मजबूर हैं, जिनको जैसा आदेश मिलता है ये काम करते हैं। लेकिन हम बीजेपी गवर्नमेंट जो एक चाल चलती है, जैन भटकाओ, 2020 इंडिया के लिए एक पूरा सिया साल गुजरा। 2020 जब से शुरू हुआ तब से लेके अभी तक के दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है, अभी तक के पूरा इंडिया धरने देते आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हर धर्म हुकूमत, ये आरएसएस की हुकूमत बीजेपी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बलात्कारियों को जमा करो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बजट जमा करो पार्टी है। बीजेपी हुकूमत, मोदी हुकूमत जो है घेराव में आ रही थी। घेराव में आने की वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर मोदी हुकूमत की छवि ख़राब हो रही थी। पब्लिक जो है वो ये समझ रही थी कि ये जो मसाइल है ये सब बीजेपी हुकूमत की वजह से आ रहे हैं और हो रहा ही भी वैसा। तो वो लोगों के जहन को कन्वर्ट करने के वजह से, लोगों को जहन को पलटाने के वास्ते
ये पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एक जो है लगाती इल्ज़ाम लगाती है ताकि लोगों का जहन जो है उसमें बदल, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये फासिस्ट हुकूमत है, इसका मकसद सिर्फ यहाँ पर इस हिंदुस्तान को मनुस्मृति की तरफ धकेलना है, जैसा कि उनका ख्वाब है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो यहाँ पर फासिज़म को जो है यहाँ पर जो है लाने वाले, और जो भी तंजीम या जो भी जवान या जो भी जो है एक्टिविस्ट अगर इस हुकूमत के गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा या इस हुकूमत के जो पॉलिसी जो मुल्क के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो भी एक्टिविस्ट जो भी तंजीम अगर बोलेंगी, ये इसको जो है इसको भी इल्ज़ाम लगाकर जो है इसको इसकी आवाज़ को खामोश करना चाह रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है? और हमारी डिमांड यही है कि ईडी ये जो है आरएसएस का काम न करे, आरएसएस जैसा कह रही है वैसा नहीं करे, ईडी का एक अपना मकाम है, ईडी को चाहिए कि वो गैर जानबदाराना काम करे और जो जो हक है जो सच है वो लोगों के सामने पेश करे। अभी हम देखेंगे कि एनआईए है सीबीआई है या ईडी है, ये सब जो है आरएसएस के इशारे पर चल रही है। तो हमारा ये है कि इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए और इस मुल्क के इंसानियत को जो है बरकरार रखने के लिए और इस मुल्क के अंदर अमन शांति करने के लिए हमें जो है जो बीजेपी हुकूमत है, ये जो फासिस्ट हुकूमत है, उसके जुल्म को रोकना पड़ेगा। और जो बीजेपी हुकूमत जो फासिस्ट हुकूमत है, जो भी ईडी को सीबीआई को जो अपना अधिकार बना रही है, तो हम इन तमाम जो है डिपार्टमेंट जो इस मुल्क के बावकार डिपार्टमेंट है, हम इनसे भी कहते हैं कि अपने डिपार्टमेंट की आप हैसियत को बरकरार रखिए और आरएसएस की और बीजेपी के इशारे पर ना चलें। नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद मुसीन, मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ पॉपुलर फ्रंट बीजेपी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर ईडी के जरिए छापेमारी करवाई, मकसद कुछ नहीं था। उस आंदोलन से जो पूरी पब्लिक किसानों की तरफ देख रही है, जिसको यहाँ के इंडिया के लोग अन्नदाता कहते हैं, उनके तरफ सारी पब्लिक देख रही थी। ये शैतानी हुकूमत, ये दहशतगर्द हुकूमत किसानों के साथ क्या मामला करती है, लेकिन उन्होंने एक उल्टा गेम कर लिया। जिस वक्त सीएनआरसी का मसला आया था, तब भी ईडी जो है तो पॉपुलर फ्रंट, एनआई जो है तो पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस पे आया था, तब भी पूरी दुनिया उन मुजाहिरीन को, उन एहतजाज करने वालों को, उन आंदोलन धरना करने वालों को देख रही थी। तब भी गवर्नमेंट ने गेम खेला, सारे सबका ध्यान पॉपुलर फ्रंट की तरफ आया। अब भी सारी दुनिया किसानों के समर्थन में, बाहर के ममालिक किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, और ये क्या काम कर रही है मोदी हुकूमत, जहाँ इसको कुछ नहीं मिलता। ये बीजेपी हुकूमत बजाय बच्चों को स्कॉलरशिप देने के उसे छीनती है, उनके अकाउंट से पैसे निकालती है, लोगों को लूटती है। ये पॉपुलर फ्रंट के लोग स्कॉलरशिप दे रहे थे, स्कॉलरशिप के जो कागजात इनको मिले हैं उसको उड़ा कर लेके चले गए। गवर्नमेंट के बाद अगर सबसे बड़ा स्कॉलरशिप अगर कोई बांटती है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये किसानों के जहन, किसानों के आंदोलन से जहनों को भटकाने के लिए ईडी को आगे किया गया।
मैं सैयद कलीम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हूँ। अभी विदाउट एनी नोटिस जो है तो ईडी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जो है तो रेड किया है। सुबह ये लोग आए थे 10 बजे, उस वक्त जो है तो मैं अवेलेबल था, तो मैं जो है तो चौबी लेके यहाँ पर ईडी को पूरा कोऑपरेट किया, ऑफिस पूरा हमारा रेड हुआ है। रेड होने के बाद एक एक डॉक्यूमेंट वो लोग देखे, हमारे ऑफिस में कोई भी इलीगल चीज़ मिला नहीं है, आज पहले भी कभी नहीं मिला था, आज भी कुछ नहीं मिला है हमको। हमारे जो एक्टिविटीज़ के जो फाइल है, लीगल के फाइल है, हमारे स्कॉलरशिप और जो एजुकेशन के कैंपेन चलते हैं उसके जो फाइल है वो ईडी वाले लोग लेकर गए। अभी इसके साथ साथ एक हमारे को पंचनामा भी दिया, उसके अंदर पूरा क्लियरेंस है कि आपके ऑफिस में से कुछ भी नहीं निकला करके। और दूसरा, अभी इसके बाद सुबह से हम ये एक्टिविटी में थे, ईडी को पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। अभी हमारा नेशनल स्टेट लीडर से हमारा डिस्कशन हुआ है। स्टेट लीडर से डिस्कशन होने के बाद ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि ईडी ने पूरे देश के अंदर तकरीबन 30 प्लेसेस के अराउंड जो है तो ब्रेड किया है। अभी हमारा नेशनल चेयरमैन का मैंने ट्विटर हैंडल भी चेक किया है, तो उसके अंदर भी जो है तो वो चेक करने पर भी उनका भी एक ट्वीट आया हुआ है कि ऑफिस हमारे जो नेशनल लीडर्स है उनके घरों को भी ईडी ने जो है तो रेड किया है। ये सारा रेड जो है तो गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, अमित शाह का एक वेल प्लान रेड है। ये लोग जो फार्मर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो फार्मर्स को इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एक टारगेट करने का एक काम ये लोग कर रहे हैं। दो मकसद है, एक तो लोगों को डराना है, पॉपुलर फ्रंट के लोगों को डराना है कि डरा के हमारे गवर्नमेंट जो है तो तानाशाही गवर्नमेंट है, इसके अंदर कोई जो है तो एक अभियान या जो है तो एक आंदोलन जो है तो कोई चला नहीं सकता, लोकतांत्रिक जरिए से, डेमोक्रेसी जरिए से कोई चला नहीं सकता बोल के एक ऐसा एक मैसेज जो है तो अमित शाह और मोदी के जरिए से दे रहा है। अभी ये हमारे नेशनल लीडर्स के ऊपर ये लोग किए हैं, झूठे इल्जाम आयद करके अगर पॉपुलर फ्रंट के ऑफिसेस को छोड़िए उसके साथ में जो है तो अगर लीडर्स के घर पर अगर रेड करते हैं तो ये कोई भी मेंबर हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ इमीडिएट अभी का अभी हम लोग एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी अर्जेंट एक प्रोटेस्ट हम रोशन गेट पे लेके जा रहे हैं। यहाँ से हमारे लीडर्स जो है तो क्लीन है, डेमोक्रेटिक वे से करने वाले लोग हैं, एक साफ छवि वाले लोग हैं। आज तक कई बार ये लोग टारगेट कर चुके हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं निकला। मतलब ये है कि बार बार ये करते रहेंगे और हम जो तो खामोश बैठेंगे, ये ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग इमीडिएट अभी रोशन गेट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग रोशन गेट पे हमारे इस प्रोटेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो जाइए। नेशनल चेयरमैन हमारे और जितने भी नेशनल कमेटी के लीडर्स है, ये लीडर्स के बारे में एक लफ्ज भी हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन ये बगैर नोटिस के वेल प्लान करके मोदी हुकूमत इनके घरों पर रेड किए हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। अब इमीडिएट हम जो है तो रोशन गेट जाके एक प्रोटेस्ट करने वाले, ये हमारा अभी डिमांड है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल सामने आकर खड़े रहेंगे, हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं है। आपका नाम? नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। राइटिंग में आपको क्या, एक मिनट थोड़ा सा राइटिंग में फोटो खींचेंगे, इसका क्लिप करते हैं।